हैदराबाद के उस्मान शाही ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया गया। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोगों ने पतंगे उड़ाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें भोजन की भी सुविधा की गई थी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के आयोजककर्ता बी वेंकटेश यादव, राहुल गुप्ता, रामचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, चिन्नाराम प्रजापति आदि लोगों के सहयोग से किया गया। ट्रेडर्स एसोसिएशन में हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग पूरे उस्मान शाही ट्रेडर्स एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और ये त्यौहार को बहुत अच्छी शांतिपूर्वक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और भाईचारे का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे एसोसिएशन में यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा इसी तरह से हम लोग ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाते रहें और 14 जनवरी आज का दिन हमारे लिए यादगार होता है, काफ़ी मस्ती होती है। यहाँ पर हम लोग पतंग उड़ाते हैं, नाश्ता खाना पीना सब कुछ प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं और मेरी तरफ से मैं उस्मान शाही ट्रेडर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और कब से मनाते हैं ये? हम लोग काफ़ी 10 साल से हम लोग बना रहे हैं, 10 साल से इसी तरह बहुत धूमधाम से बनाते हैं। यहीं पे मनाते हैं? नहीं, यहीं पर बनाते हैं, उस्मान शाही ट्रेडर्स एसोसिएशन की टेरिस पर हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। पहला तो मैं नवभारत चैनल वालों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये हमारे मंच यहाँ पर आए चैनल वाले, और ये हर साल संक्रांति बनाते हैं सभी ओटीए मेंबर के सहकार पर और सभी ओटीए मेंबर संक्रांति का धन्यवाद। सीए के मतलब में पूरा जानकारी नहीं है क्योंकि 70 साल से जो में हुआ ये है कि जैसे कि मतलब अभी झारखंड का चुनाव हुआ था, हम अमित शाह जी जाते हैं वहाँ पे, बैंक को सब तपाते हैं, पूरे देश में लागू उनका, एक तरफ से मतलब विपक्ष देख रहा है वोट बैंक के जरिए से, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? वोट बैंक की कुछ नहीं है, ये सीए का मतलब जो है 2011 में कांग्रेस वाले कर चुके हैं, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं कांग्रेस वाले। इसका असर झारखंड में देश झारखंड में देश वाले तो कभी कभी चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, वो चुनाव को लेकर पूरे देश में बोलना गलत है। 70 साल से जो नहीं किया मोदी जी ने, अभी सीए का समर्थन किया और पूरी जनता भी जो है सीए जो समर्थन है, और ये सीए का खाली नाटक है, ये हिंदू वाली मुस्लिम वाली के नाटक कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीए का क्या है? नहीं वैसे एनआरपी क्या है? खत्म होना चाहिए या फिर और भी बढ़ना चाहिए? नहीं खत्म होता ही है, सीए लागू हो गया, जो भी बोल रहे ये मुद्दे पैसे खाकर ये मुद्दा बड़ा कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। सीए का अगर जानकारी करे तो वो आदमी भी नहीं आता। सीए को निकल के इंडियन गवर्नमेंट को और कुछ भी युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, मतलब समझाना। जैसे अभी आप भी टीवी पे देखते होंगे कि मतलब सिर्फ सीए और एनसीआर एनपीआर सीए एनपीआर का विरोध कौन कर रहे हैं? पहले सिर्फ सीए एनपीआर का विरोध खाली कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं, एक तरह से ना मुस्लिम को ना इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ना मुस्लिम को कोई मनाती पूजा के कुछ सीए का मतलब ही नहीं है। बिना मतलब के कांग्रेस वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं, ना इन सब लोगों को पकड़ कर मुस्लिम लोगों जो जो ना जिनको जानकारी नहीं है उनको लेकर मुद्दा करके सीए बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है सीए का। अपने देश के जो देशद्रोही हैं बस वो ही सीए का समर्थन कर रहे हैं और जो देश के हित में जो चाहने वाले हैं उन लोगों को सीए नंबर वन है और हमेशा रहेगा और सीए कानून लागू होना ही चाहिए। जो अपने देश का दुश्मन है बस वो ही अपने देश को सीए में लागू करना नहीं चाह रहा, जैसे कांग्रेस अपने देश में 70 साल से राज कर रही है और वो नहीं चाह रही कि मैं उनका राज हमेशा और इसी तरह चलता रहे, हम उनका राज चलने नहीं देंगे। भाई सीए करने से अभी क्या है, आदमी बना रहे सीए बना है, वो एक रजिस्ट्रेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी कंट्री का एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो घुसपैठी कोई भी बाहर से आने वाले को चांस मुश्किल हो जाएगी कि आने के दूसरे देश में जाने का, आतंकवाद फैलाने का, कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए ये रोक बहुत जरूरी है। अपने देश में नहीं हर जगह होना चाहिए, जो जो अपने घुसपैठी करके पब्लिक को परेशान करना है उन लोगों को रोकना जरूरी है। कोई भी देश वाले दिन ब दिन घुसपैठी बढ़ते जा रही है, घुसपैठी बढ़ते जा रही है और जो अपनी सेफ्टी के लिए अपन जरूरी है, अपन अपने को इसके लिए कोई दिक्कत है तो अपन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अपने को क्या दिक्कत है? अपने को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, बाहर वाले जो आतंकवाद फैलाना चाह रहे उन लोगों की रोक के लिए ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मेरा पूरा समर्थन है।